वो इसका ये लेक्चर नंबर टू, जहां हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक की बात करेंगे। यस गाइस, चलिए शुरू करते हैं अपनी बात को बिना किसी देरी के। क्या मैं सेंटेंस करते हैं, वही सेंटेंस को बनाने का तरीका रहेगा गाइस। रेस से बाहर निकालना है, बनाना नहीं है आपको, क्योंकि बना नहीं सकते हैं आप लोग। उसने कहा हैव प्लस थर्ड फॉर्म, आपको ढूंढना हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म। मेन काम क्या है आपका, आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब देख लेनी है किस फॉर्म में चल रही है, उसी से आपका काम 50% सॉल्व हो जाएगा। सो यहाँ हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म पहले में है, ये तो खैर बाहर हो जाएगा। हैव बीन यहाँ पे नहीं आया है, यहाँ तो आई एन जी नहीं आई है, मतलब आई एन जी आ गई है यहाँ पर। नैना दो अबव कह नहीं सकते, बोथ ऑफ द अबव नहीं कर सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। द लेडी इज ट्रेडिंग ऑन फ्लावर्स, इज एम आर प्लस आई एन जी, आपको ढूंढना है इज एम आर प्लस बींग, यस प्लस थर्ड फॉर्म। अब इज एम आर प्लस बींग प्लस थर्ड फॉर्म कितनों में है, पहले में है, दूसरे में भी है, लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म ट्रेडन लगाई गई, जबकि थर्ड फॉर्म ट्रोडन है इसकी। यस, तो इसलिए आपका सेकंड होने के चांस ज़्यादा सही हैं। यहाँ पर ट्रोड फोन लगा दिया, खाली ट्रोडन नहीं किया गया है, तो ये रॉन्ग है आपका। आपका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। द हिस्टोरिकल सोसाइटी बिल्ड द म्यूजियम, बिल्ड द म्यूजियम यानी कि सेकंड फॉर्म, बिल्ट आपके सेकंड फॉर्म है। इस सेकंड फॉर्म को देखते हुए आप लोग लगाने वाले हैं वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि है पहले में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है। अब फोर्थ में देख लेते हैं, अगर है तो ठीक, नहीं तो फिर ये भी रॉन्ग हो जाएगा हमारा। फोर्थ में भी नहीं है क्योंकि यहाँ बींग आ चुका है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहला ही करेक्ट। द एनिमीज हैव डिस्ट्रॉयड अजूबा टाउन, फिर हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, आपको ढूंढना हैज बीन हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है, फोर्थ का पता नहीं है अभी, फोर्थ में भी है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों में से ही आपको कोई एक आंसर होगा। अब ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, अजूबा टाउन आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम लोग हैव का नहीं हैज का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। रोहित सैड रिटर्न, सॉरी रोहित हैड रिटन एन एस ए ऑन पॉल्यूशन, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म यानी कि आपको ढूंढना हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि फर्स्ट में तो कम से कम नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है। अब फोर्थ में देखते हैं क्या फोर्थ में है या नहीं है, अदरवाइज सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ में है लेकिन हैव नहीं आएगा, बिकॉज पीछे एन एस ए है, एन एस ए को देख करके यहाँ पर आपको सिंगुलर वर्ब हैज का इस्तेमाल करना होगा, सॉरी हैड का, तो ये आपका आंसर होगा करेक्ट। आपका ये वैसे भी नहीं होगा, बिकॉज सेंटेंस जो था हमारा पास्ट में चल रहा था। ही हैड ऑलरेडी टर्न द पेजेस, फिर सेंटेंस में आपका आ गया हैड प्लस थर्ड फॉर्म, फिर आपको ढूंढना हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म। हैज की बात नहीं करेंगे यहाँ पर, ध्यान रखें आप लोग। सो यहाँ पर ये हैज वाला गलत हो जाएगा, ये हैव वाला गलत हो जाएगा, हैड बीन आपका इसमें शामिल हो जाएगा, और फोर्थ में भी हैड है लेकिन आप बीन नहीं आया है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड पूरी तरह से करेक्ट। आज की इस वीडियो में मैं 10 सेंटेंस आपके लिए भी रखूँगा बच्चों, जिससे कि आप लोग उनको बनाएं और अपने आंसर चेक करेंगे। यस, और उससे अगली वीडियो में मैं इनके आंसर रख दूँगा 10 के। यस, 91 से 100 तक आपके लिए रहेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में उनके आंसर रहेंगे। कह रहे कि दिस वर्ड कैन नॉट बी अटर्ड, यहाँ पर बी प्लस थर्ड होम आ गई है, बी प्लस थर्ड होम आ गई, इसका मतलब सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव ही है। आपको इसे एक्टिव बनाना है तो आपको कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म ढूंढनी है, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है, और फोर्थ में देख लेते हैं, फोर्थ में भी है। अब सेंटेंस किससे बनेगा देखना होगा ध्यान से, सेंटेंस बनेगा द असाइनमेंट से, असाइनमेंट असाइनमेंट, कैन कैन, कैन नॉट कैन नॉट, अटर अटर, दिस दिस, यहाँ पर दिस वर्ड, यहाँ पर द वर्ड, बस दिस वर्ड की वजह से आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अ नेशनल एंथम इज बींग संग बाय जैसन, सेंटेंस में इज एम आर प्लस बींग प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है, सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव है क्योंकि बी की फैमिली आ गई है, थर्ड फॉर्म आ गया है, आपको बनाना है एक्टिव। एक्टिव बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक्टिव बनाने के लिए आपको इज एम आर प्लस आई एन जी ढूंढनी होगी, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकेंड में है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, सेकेंड आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट। कैन ही कम्प्लीट द जॉब इन 3 वीक्स, यहाँ पर फिर से आपका आ गया कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म,
आपको ढूंढना है कैन बी प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि फर्स्ट में कम से कम नहीं है, सेकंड में कांट लगा दिया है, ये इससे बाहर हो जाएगा। थर्ड में हमारे पास यहाँ पर उसने कैन भी दिया है, बी भी दिया है, थर्ड फॉर्म भी दी है, फोर्थ में फिर से बी नहीं है, ये भी बाहर हुआ, थर्ड आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। ग्रिड फेलियर ब्रिंग्स 500 ट्रेन्स टू अ हॉल्ट, यहाँ ब्रिंग्स आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस है, आपको ढूंढना है इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढना है जो कि पहले में है लेकिन यहाँ बींग आ गया है, बींग की वजह से आपका रेस से बाहर हो जाएगा। यस, दूसरे वाले में चलते हैं, यहाँ से हम लोग गाइस यहाँ से सेंटेंस नंबर सेकंड पे क्या कर रहे हैं यहाँ पे उसको पकड़ते हैं पहले। अगले ऑप्शन में देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो ये तो फार हो चुका है, अगला भी बाहर हो चुका है, नहीं अगला रेस में शामिल है, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म दिख रही है, नेक्स्ट में वोज वर आ गया, ये बाहर हो गया बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस है, उस नेक्स्ट में हैड है, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। द टीचर वॉज प्लीज्ड, ऑलरेडी पैसिव है, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म, आपको सेकंड फॉर्म ढूंढनी है, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, सेकंड आंसर हो जाएगा। वी सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, सो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर ढूंढिएगा, प्लस थर्ड फॉर्म पहले में है, दूसरे में है, सेंटेंस बनेगा आपका 62, सेंटेंस हो जाएगा आपका वी सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, वी सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, सो सी वॉज सीन, तो शी वॉज सीन, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये दोनों वही रेस से बाहर हो गए आपके। अब आपको बचता है ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ में शी वॉज सीन, शी वॉज सीन, यहाँ पर बींग आ चुका है, यहाँ पर सिंगिंग आ चुका है, और सिंगिंग ऑप्शन में भी था, तो ये आंसर होगा, ये गलत हो जाएगा बाहर आपका। यहाँ पर आ जाएगा दे विल हेल्प अस द मनी, हेल्प अस विद द मनी, यहाँ पर विल प्लस फर्स्ट टर्म आ गई है, आपको विल भी प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढना है, पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, पहला आंसर हो जाएगा करेक्ट, बहुत आसान है। आई वॉज आस्क माई नेम, ऑलरेडी पैसिव है, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है, आप सेकंड फॉर्म ढूंढिए सिर्फ, आस्क्ड पहला बाहर, दूसरा शामिल, तीसरा शामिल, चौथा बाहर, सेंटेंस बनेगा माई नेम से, यस यानी कि माई नेम या फिर दे से, क्योंकि माई नेम तो ऑप्शन में नहीं गई भी है, दे आस्क मी माई नेम, दे आस्क माई नेम फ्रॉम मी, सेंटेंस बनेगा सेकंड आंसर, दे आस्क मी माई नेम। चलिए अगले में दिखाई दे रहा है बच्चों, कमला वॉज टोल्ड द बैड न्यूज एज सून एज शी अराइव्ड, सेंटेंस फिर से ऑलरेडी पैसिव है क्योंकि वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है, आपको ढूंढना है सेकंड फॉर्म जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है, और फोर्थ में देखते हैं अभी क्या है, फोर्थ में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। द गर्ल्स डेथ हैज़ ओपन्ड, हैज़ अ प्लस थर्ड फॉर्म, आपको लगाना हैज़ बीन हैव बीन, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, सेकंड आंसर, बहुत सिंपल है, रेस से बाहर निकालते रहो, आंसर लगाते रहो। बाय दैट टुमारो दे वुड हैव कम्प्लीटेड, आपको ढूंढना है वुड हैव बीन, जो कि फर्स्ट में नहीं है और सेकंड में भी नहीं है और थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में ऐसे था, तो फोर्थ ही आंसर होगा इसका करेक्ट। आगे बढ़े, व्हाइल आई वॉज ऑन हॉलीडे माई कैमरा वॉज स्टॉलन फ्रॉम माई होटल रूम, गाइस यहाँ पर माई कैमरा वॉज स्टॉलन, मेरा कैमरा चुरा लिया गया फ्रॉम माई होटल रूम, यहाँ पर वॉज स्टॉलन आपका आ गया है, आपको सेकंड फॉर्म ढूंढनी है, पहली बात तो ये, यहाँ पर व्हाइल आई वॉज ऑन हॉलीडे ये सेम रहेगा, स्टॉल सेकंड फॉर्म ये रही, ये बाहर हुआ रेस से, यहाँ स्टील फर्स्ट फॉर्म लगा दी है, यहाँ हेड रखा, इसका मतलब बच्चों पहला ही आंसर हो जाएगा करेक्ट। बाय 1829 ब्रिटिश गुड्स रथ 7 crore रुपीस वर बीइंग एक्सपोर्टेड, यानी कि सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव है, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म लगा रहा है, वॉज वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, आप वॉज वर प्लस आईएनजी लगाएं, यस जो कि आपका पहले में है, यस तो फर्स्ट ऑप्शन में हैगा, तो सेंटेंस बन रहेगा आपका इंडिया सॉरी ब्रिटेन से बनना चाहिए था यहाँ पर, तो ये रेस से बाहर हुआ, ये रेस से बाहर हुआ, और थर्ड आंसर आपका इसमें शामिल है वॉज वर प्लस आईएनजी, बस थर्ड ही आंसर होगा करेक्ट। 70 देखें, माई एल्डर ब्रदर इज प्लेइंग क्रिकेट, इज एम आर प्लस आईएनजी, आप लोग इज एम आर प्लस बींग प्लस थर्ड फॉर्म लगाएं, जो कि फर्स्ट में नहीं है,
सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, सेकंड आंसर। शी हैड लॉक्ड द डोर बिफोर शी लेफ्ट, सेंटेंस में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आया लॉक्ड, आप यहाँ पर हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढेगा, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में है। ब्रेवरी एंड लॉयल्टी वर रिवार्डेड बाय द किंग, यहाँ पर वोज वर प्लस थर्ड फॉर्म, आपको ढूंढना है सेकंड फॉर्म, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में गेव लगा दिया है यहाँ पर, हालांकि यहाँ पर रिवार्ड की ही लगानी थी वो, अब तो आपको तो ये बाहर हो जाएगा रेस से आपका, क्योंकि सेंटेंस में भी रिवार्ड को ही दिया गया थर्ड फॉर्म, ये भी बाहर हो जाएगा बिकॉज यहाँ पर इज आ गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन। 73 देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है बच्चों, सेंटेंस नंबर 73, आई रिमेंबर देम टॉकिंग मी टू द जू, रिमेंबर आपके फर्स्ट फॉर्म में, आप इजमार ढूंढेगा, जो कि फर्स्ट में मुझे नहीं दिखा, सेकंड में भी नहीं दिखा है, थर्ड में भी नहीं दिख रहा है और फोर्थ में भी नहीं है, इसका मतलब तरीका दूसरा अपनाना होगा। यस, तरीका दूसरा अपनाएंगे, आई रिमेंबर देम टेकिंग मी टू द जू, तो यहाँ पर टेकिंग आपकी एनजी फॉर्म है, इसको देख करके बींग प्लस थर्ड फॉर्म लगा दो, बींग टेकन, यस यहाँ पर हैविंग बीन आ गया इसलिए बाहर हो गया, यहाँ पर टू बी टेकन कर दे ये बाहर हो गया, ये आपका सही हो जाएगा बींग टेकन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। द इन्वेस्टिगेशन टीम व्यूड द सीसीटीवी वीडियो क्लिप, व्यूड आपके सेकंड फॉर्म है, आपको वर्ड ढूंढना है प्लस थर्ड फॉर्म, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है लेकिन बींग लगा दिया, थर्ड में है लेकिन हेड लगा दिया, फोर्थ आंसर हो जाएगा आपको करेक्ट। दे विल एडवाइज मी अबाउट प्राइस ऑफ द एसोसरीज, क्या गया यहाँ पर एडवाइस, यस विल प्लस फर्स्ट होम, पहली बात तो ये है विल प्लस फर्स्ट होम, तो आपको ढूंढना है विल भी प्लस थर्ड होम, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड वाला शामिल हो सकता है बिकॉज मी का आई हो जाएगा तो आई के हिसाब से शैल आ जाएगा, ये शामिल हो सकता है रेस में, फोर्थ वाला बाहर रेस से, तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। आई सो द मास्टर कंडक्टिंग द ऑर्केस्ट्रा, अब यहाँ पे सो यानी कि सेकंड फॉर्म को देख करके बना सकते हैं वॉज वर्ड से, या फिर आप कंडक्टिंग को देख करके फिर से बींग लगा सकते हैं पहले की ही तरह, सो यहाँ पर वॉज बींग तो नहीं, खाली खाली बींग लगाएंगे, सेकंड वाले मारा है बींग, थर्ड वाला इससे बाहर है, फोर्थ वाला भी, आपका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। द मराठा सरेंडर्ड देयर फोर्ट टू द मुगल्स आफ्टर द वार, सरेंडर्ड आपका सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म को देख के लगाइए बहुत बार, ये बाहर, ये भी बाहर, उसके बाद ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर चल करके, यहाँ पर बहुत बार है, यहाँ पर नहीं आया है तो इसका मतलब आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। समवन गेव द ओल्ड मैन अ पुश, गेव यानी कि सेकंड फॉर्म, बहुत बार ढूंढेगा, पहला बाहर, दूसरा बाहर, तीसरा बाहर, क्योंकि बींग आ गया है, इसका मतलब फोर्थ आंसर करेक्ट होगा। मदर फील्ड डार्क फिल्टर्ड कॉफी इन द कप, फील्ड यानी कि सेकंड फॉर्म, फील्ड सेकंड फॉर्म है तो आपको लगाना होगा वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म, पहले में है, दूसरे में है लेकिन थर्ड फॉर्म नहीं आई है, फोर्थ में बींग आ गया है, थर्ड में, फोर्थ में भी थर्ड फॉर्म नहीं आई है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहला ही करेक्ट। द मैनेजर्स बैंक अकाउंट हैज़ बीन हैक्ड, ये ऑलरेडी पैसिव है क्योंकि उसने हैज़ बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगाया है, आप हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे यानी कि बीन हटाएंगे, जो कि फर्स्ट में है, हैव दे हैव हैक्ड द मैनेजर्स बैंक अकाउंट, फर्स्ट ऑप्शन में है सब कुछ, लेकिन यहाँ पर दे आएगा कन्फर्म ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ से गायब था परसेंटेज में। हैकिंग हैज़ बीन डन टू द मैनेजर्स बैंक अकाउंट हैज़ बीन डन, सेंटेंस बनेगा समवन से, क्यों बनेगा गाइस मैं आपको बता दूँ, देखिए जब भी सेंटेंस में आपका एक्टिव में समवन, समबडी, पीपल, पुलिस हो तो पैसिव बनाते समवन को हटाते हैं, तो यहाँ पर हमने यही सोच लिया कि यहाँ पर पैसिव था बना हुआ सेंटेंस, समवन लगा दिया हमने इसलिए। व्हाई डू यू वेस्ट मनी, आपको दिख रहा है डूडस, आपको ढूंढना है इज एम आर, वाई तो सब में रहेगा, ये वाई सब में रहेगा, इज एम आर ये बाहर हो गया इससे, ये बीन की वजह से बाहर हो गया, ये बीन की वजह से बाहर हो गया, थर्ड ऑप्शन आपको हो जाएगा करेक्ट।
आगे बढ़ेंगे सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। द विंटेज कार होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ देयर ओनर्स। होल्ड यानी कि फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हेल्ड इसकी सेकेंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में तो इज एम आर ढूंढेगा, फर्स्ट में है, सेकेंड में नहीं है, वॉज पर आया है, थर्ड में आया है, फोर्थ बाहर, फर्स्ट और थर्ड इसमें शामिल हो जाएगा आपका। यस, अब ऑप्शन से चलेंगे हम लोग कि कौन सा करेक्ट हो सकता है। द विंटेज कार्स होल्ड अ स्पेशल प्लेस, सेंटेंस बनेगा अ स्पेशल प्लेस से, अ स्पेशल प्लेस, अ स्पेशल प्लेस, उसको देखते हुए इज आ जाएगा आपका, तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट। वट एम्यूज्ड यू, एम्यूज्ड हमारी सेकेंड फॉर्म है, वोज वर्ड ढूंढिए, बाहर 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 थर्ड आंसर। आफ्टर ड्राइविंग डॉक्टर बोस टू द हॉस्पिटल ही ड्रॉप्ड हिम एट हिज गेस्ट रूम, गेस्ट हाउस, ड्रॉप्ड सेकेंड फॉर्म है, वोज वर्ड प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढेगा जो कि फर्स्ट में ही है, सेकेंड में हेड आ गया है, थर्ड में वोज वर्ड प्लस आई एन जी आ गई है, फोर्थ में बींग आ गया है, तो बस बच्चों फिर फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा। द किड्स वर लाफिंग, वोज वर्ड प्लस एनजी आपको ढूंढना है, वोज वर्ड प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, पहला बाहर, दूसरा शामिल, तीसरा भी शामिल, सेंटेंस बनेगा द ओल्ड लेडी से वॉज बीइंग लाफ्ड बाय द किड्स। यस, तो यानी कि जब आपका हो जाएगा गलत, लाफ के साथ हमेशा एट आता है, आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड करेक्ट। ही सॉ हिम कंडक्टिंग द सेमिनार ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब सौ से बनाऊंगा तो गड़बड़ी हो जाएगी, कंडक्टिंग से बनाऊंगा तो मुझे बींग लगाना पड़ेगा। यस, सो ही वॉज सीन कंडक्टिंग द सेमिनार, सो ही वॉज सीन, जैसे बनाओ ही वॉज सीन, ही वॉज सीन बाय मी नहीं होगा, ये बाहर हुआ रहा इससे आपका। अगला देखते हैं यहाँ पर, He was seen conducting the seminar on personality development. He saw the seminar on personality development being conducted by him. He saw the seminar, बच्चों नहीं, इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड करेक्ट। द सरफेस फील्स स्मूथ, फील्स यानी कि फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही है, आप लगेंगे इज एम आर, फर्स्ट में है, सेकेंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है। सेंटेंस में जब भी ध्यान रखना आपका आ जाए फील, स्मेल, टेस्ट, ये सेंटेंस बनता है हमारा वैन से, सर दिस सरफेस वैन हमारा इसी ऑप्शन में है, ये रहा यहाँ पे, मैं ढूंढ रहा था इसको कहाँ गया, दिस सरफेस इज स्मूथ वैन इट इज फेल्ड, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। द ग्रीक एक्सपेक्टेड टू विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी, अब या तो टू विन को टू बी करो या एक्सपेक्टेड को वॉज पर करना होगा, सो इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द क्रिक्स वुड विन, वुड तो खैर नहीं आएगा, द इंटरनेशनल ट्रॉफी वॉज एक्सपेक्टेड टू बी वन, ये लीजिए इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड करेक्ट। हैड शी वर्कड हार्ड शी वुड हैव वन द गोल्ड मेडल, अगर उसने कठिन परिश्रम किया होता तो वह गोल्ड मेडल जीत जाती, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर वो, तो बच्चों ध्यान देना यहाँ पर जरा ध्यान से, शी वुड हैव कह रहा है तो शी वुड हैव बिन करेंगे, पहला रेस से बाहर हो जाएगा, दूसरा इसमें शामिल हो जाएगा बिकॉज वुड हैव बीन आया है, द गोल्ड मेडल वुड हैव बीन वन बाय हर इफ शी वर्क हार्ड, द गोल्ड मेडल वुड हैव बीन वन बाय हर हैड शी वर्क हार्ड, सेंटेंस में बच्चों ये हैड शी वर्क हार्ड एज इट इज रहेगा, इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। 90, दे कुड द फूड एंड सेंड इट टू द ऑर्फनेज, कुड हमारी सेकंड फॉर्म है, इसको देख करके आपको वोट वोट लगाना होगा जो कि आपका फर्स्ट में है, लेकिन यहाँ पर द फूड, यहाँ पर दे कुकड, कुकड़ कुकड रखा, द फूड वॉज कुकड, द फूड वॉज कुकड, सेंटेंस को इससे बनाएंगे। यस, सो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। बाकी 10 सेंटेंस मैं आपके लिए छोड़ता हूँ यहाँ पर, इसके आंसर आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, आप इनका स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। 91, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 98, 99 और ये आपका 100। यस गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन 10 क्वेश्चंस के जवाब दे दूंगा। फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।